नमस्कार, मैं मेघा कौशिक स्वागत करती हूं आप सभी का इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं आपकी समस्याओं के समाधान। आज कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, डायबिटीज यानी मधुमेह आज हर घर में किसी एक व्यक्ति को है ही और दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है एक मंत्र जो आपकी इस बीमारी को परमानेंट भगा देगा? तो आज हम बताएंगे आपको वो महामंत्र, साथ ही वास्तु दोष जिन्हें खत्म कर आप पा सकते हैं मधुमेह से मुक्ति। और इसे विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अगर आपकी कोई समस्या है और जानना चाहते हैं समाधान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं विस्तार से मधुमेह के रोग के उपाय के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मधुमेह रोग कितना खतरनाक रोग है? तो क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य मधुमेह अर्थात डायबिटीज अर्थात शुगर जैसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, परेशान है? क्या मेडिकल साइंस के लाख इलाज के बावजूद भी आपको आपकी डायबिटीज में कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपकी शुगर में कोई फायदा नहीं हो रहा है? क्या आपकी डिपेंडेंसी इंसुलिन इंजेक्शन पे हो गई है? सुबह शाम आपको इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। क्या दवाइयों के लेने के पश्चात भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है? यदि हां, तो दोस्तों परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में एक ऐसा दुर्लभ चमत्कारिक महामंत्र बताने जा रहा हूं जो निश्चित तौर पे आपकी डायबिटीज जैसी लाइलाज बीमारी को चमत्कारिक रूप से न केवल ठीक कर सकता है बल्कि उसको जड़ से भी खत्म कर सकता है। आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज का स्पेशल एपिसोड निश्चित तौर पर आपकी डायबिटीज शुगर जैसी बीमारी को दूर करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, कहते हैं कि शुगर अर्थात मधुमेह रोग अर्थात डायबिटीज राजसी श्रेणी का माना गया है, राजाओं को होने वाला रोग, जो कि जीवन में अगर एक बार आ जाए तो फिर कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि दवाइयों के ऊपर, इंजेक्शन के ऊपर डिपेंड हो जाता है, उनके द्वारा नियंत्रित होकर लाइफ लॉन्ग हमें दंड देता है, हमें कष्ट देता है। डायबिटीज मधुमेह रोग शुगर कैसा होता है ये तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति बता सकता है। डायबिटीज रोग जो है, शुगर जो है, मधुमेह जो है, अपने साथ अपने दो भाइयों को भी लेकर आता है। कौन से हैं उसके दो भाई? एक तो है किडनी, दूसरा है हृदय। तो किडनी से संबंधित रोग और हृदय रोग से संबंधित जो उसके भाई हैं उनको भी अपने साथ ले आता है, उनसे संबंधित बीमारियों को भी दावत देता है। आपने और हमने इस रोग के कारण कई जवान बच्चों को मरते देखा गया है। मेडिकल साइंस में अगर हम जाते हैं, एक मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेडिकल साइंस में जाते हैं तो कहते हैं कि आपकी जो लाइफस्टाइल है आजकल वो बिगड़ गई है, आपके खान पान में कमी है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो दो दो तीन तीन साल के हैं, पांच साल के हैं, उनकी कौन सी लाइफ स्टाइल, उनको क्यों मधुमेह है, उनको क्यों शुगर है, वो क्यों डायबिटीज जैसी बीमारी से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते ही? यहां पे भी मैं कहता हूं कि आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, ये सब लिखा है प्रभु ने पहले से ही। कोई कैंसर से मरता है, कोई डायबिटीज से मरता है, कोई एक्सीडेंट से मरता है, तो कोई हार्ट अटैक से मरता है, मरना तो सबको है। तो दोस्तों, अगर आप मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटीज के रोगी हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप स्वयं अपना इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको एक बड़ा ही दुर्लभ, बड़ा ही चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रहा हूं। इस प्रयोग में मंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है।
मेरा दावा है कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें, नियमित रूप से अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें, तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर आप इस रोग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, दवाइयों पे इंसुलिन के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसी है उसको खत्म कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके कुंडली में षष्ठेश और अष्टम स्थान जो कि रोग और आयु के सूचक होते हैं, हाउ कैन यू कंट्रोल देम, उनको आप कैसे नियंत्रित करते हैं। आइए आज आपको मधुमेह रोग, शुगर, बीमारी, डायबिटीज दूर करने वाला एक दुर्लभ और चमत्कारिक मंत्र बताने जा रहा हूं। बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ मंत्र है, आप लिख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पे भी ये मंत्र आ रहा है। दो बार मैं इस मंत्र का उच्चारण करूंगा, ध्यान से आप इसके उच्चारण को समझिएगा। इस प्रयोग में इस मंत्र की विशेष भूमिका है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही सरल मंत्र है, ज्यादा लंबा मंत्र नहीं है। ओम आईम आईम सौ क्लीम क्लीम ओम फट। पुनः सुनिए, ओम आईम आईम सौ क्लीम क्लीम ओम फट। ओम आईम आईम सौ क्लीम क्लीम ओम फट। बड़ा सरल, सुंदर, चमत्कारिक, दुर्लभ मंत्र है। इस मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जाप करें। आप इसे शुक्ल पक्ष के रविवार से आरंभ करें तो निश्चित तौर पर इस मंत्र का विशेष लाभ मिल सकता है। इस मंत्र को करने से होता क्या है? इस मंत्र का जाप करने से उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले, सभी रोगों को हरने वाले भगवान धन्वंतरी आपके वश में हो जाते हैं, आपकी जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म करते हैं। जी, तो आपने डायबिटीज को खत्म करने वाला महामंत्र तो दर्शकों जान लिया, चलिए आगे विधि भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, दलजीत जी हैं जो अजमेर से कॉल कर रही हैं और बेटे मनप्रीत के लिए ये जानना चाहती हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर 1999 बताती हैं और 8:45 का सुबह का टाइम बताती हैं। दलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। जी पूछिए बेटा। हाँ, जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। इसने अभी 12वीं पास करी, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, करियर में क्या बहुत जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनता है, बड़ों के आगे बहुत ही बोलता है, तो इसका कोई उपाय बता दीजिए जिससे अपने करियर की तरफ ध्यान दे दे। देखिए, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पर ये बच्चा भविष्य में काफी आगे बढ़ेगा, लेकिन कहते हैं कभी कभी समय होता है, समय जो होता है वो बच्चों के दिमाग को भ्रमित करता है, और वो समय जो चल रहा है वो ऐसा चल रहा है जो दिमाग को इसके बच्चे को भ्रमित कर रहा है। ये बच्चा जो खुद है वो भी कन्फ्यूज्ड है, इसको खुद को समझ में नहीं आता। उच्चाटन, इस अवस्था के अंदर अक्सर बच्चों में उच्चाटन होता है, या 18-19 साल की जो उम्र होती है, ये बड़ी जो उम्र कहते हैं कि इसमें बच्चे खुद अपने कैरियर के बारे में और किसी चीज़ के बारे में नहीं समझ पाते हैं। मैंने आपको जहाँ पहले भी शायद आपके हमारी बात हुई, एक तो इस बच्चे की जन्म कुंडली में शनि नीच का है, टेक्निकल लाइन में इसको नहीं डालना है, सूर्य नीच का है, गलत संगत से इस बच्चे को बचाना है। इसके लिए विशेष तौर पे अगर आप संभव हो तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में सबसे पहले तो ग्रह शांति करवा लें, जो ग्रह नीच के हैं, जैसे शनि नीच का है, सूर्य नीच का है, तो संभव हो काले नीले रंग के कपड़ों से इसको दूर रखिए। एक कांसे की कटोरी ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल भरिए, उसमें अपने चेहरे की परछाई, मतलब इस बच्चे को अपने चेहरे की परछाई देखनी है, फिर उस तेल को एक मिट्टी के दीपक में लेके लंबी रुई की लंबी बत्ती बना के उसको जला देना है। ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना चाहिए, महीने में कम से कम 2 शनिवार आप अवश्य कीजिए। संभव हो तो इस बच्चे को शनि मंदिर में भेजिए, वहाँ शनि भगवान पर तेल अर्पण करें। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर हर साल इसके जन्मदिन पे अवश्य करना है। आपके उसमें समाज के अंदर कास्ट में कड़े पहनने की बड़ी प्रथा है, तो आप इसको एक तांबे का कड़ा जरूर पहनाइए। चांदी सोना इसको नहीं पहनना है, लोहा भी इसको नहीं पहनना है। अगर इसको कड़ा पहनना है तो वो सिर्फ और सिर्फ तांबे का कड़ा होना चाहिए। और जहाँ तक हॉरोस्कोप कहती है, 1 वर्ष और अभी इसकी जन्म कुंडली में उतार चढ़ाव है, उसके बाद अच्छा होगा। जी दलजीत जी, आपको उपाय पंडित जी ने बता दिए हैं, वो उपाय कीजिएगा, बेटा आपका सही हो जाएगा। अमृत राय जी आसाम से जुड़ गए हैं पंडित जी हमारे साथ। अमृत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, टाइम बताइए। जी अमृत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी लगता है हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा अमृत जी का।
आगे बढ़ते हैं पंडित जी, हम बात कर रहे थे महामंत्र की। महामंत्र तो हमने जान लिया, लेकिन मंत्र जो होता है वो विधि के बिना अधूरा होता है, तो किस विधि से इस मंत्र का जाप करें वो आपसे जानना चाहेंगे। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही एक सरल दुर्लभ चमत्कारिक मंत्र बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बताया भी है। अब उसको करने की एक सिंपल सी विधि है, उसको भी समझ लीजिए। हाउ कैन यू कंट्रोल योर डायबिटीज? सिर्फ स्ट्रेस कम करने से डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी। 100% अगर आप इस मंत्र का विधि विधान पूर्वक जाप करते हैं, यस यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय चैंटिंग ऑफ दिस मंत्र। तो आपको करना क्या है, शुक्ल पक्ष के रविवार को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में, सफेद आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, आचमन करें, प्राणायाम करें, भगवान धन्वंतरी की पूजा का संकल्प करें। कोई भी पूजा है बगैर संकल्प के अधूरी रहती। भगवान धन्वंतरी का आह्वान करें, भगवान धन्वंतरी से पूर्ण स्वस्थ सुख की प्रार्थना करें, अच्छे हेल्थ सेक्टर की प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। एक चौकी अथवा बाजोट की अपने सामने स्थापना कर लीजिए। उस बाजोट के ऊपर एक सफेद वस्त्र बिछा दीजिए, उसके ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिए, ओम का चिन्ह बना लीजिए, उसके ऊपर एक सिद्ध धन्वंतरी यंत्र की स्थापना कर दीजिए, फिर उसकी पूजा करें, पंचोपचार पूजा करें, षोडश उपचार पूजा करें और उसके बाद में जो मैंने आपको मंत्र बताया है उस मंत्र का आपको जाप करना है। भगवान धन्वंतरी का आह्वान करके उनकी पूजा करनी है, मंत्र का जाप करना है। अगर आप लगातार 40 दिन तक इस मंत्र का 108 बार एक माला कम से कम जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके मधुमेह की बीमारी में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जाप के पश्चात भगवान की आरती करें, भोग इत्यादि सब आपको लगाना है। तो यदि आप मधुमेह के रोग से पीड़ित हैं तो आप इस प्रयोग को करिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। और जब आपको इसका चमत्कारिक परिणाम दिखे तो आप हमें फोन करके भी बताइएगा। जी, मंत्र हमने जान लिया है, विधि हमने जान ली है, आगे भी वास्तु देश जो होते हैं, वास्तु दोष कैसे खत्म किए जाए वो जानेंगे। लेकिन पंडित जी उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर नीलम जुड़ गई है चित्तौड़गढ़ से, जो अपनी बेटी के लिए जानना चाह रही है। डेट ऑफ बर्थ बताती है 3 मार्च 1992 और 5:43 शाम का समय। नीलम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, मैं चित्तौड़गढ़ जी बोलिए सर। मेरी बेटी के बारे में पूछना है। हाँ। उसकी शादी नहीं हो रही। अभी कितने साल की हुई है वो? 26 साल की। ठीक है, नाम क्या है बच्ची का? गोदुलिका। क्या नाम है? गोदुलिका। अच्छा, नाम बहुत अच्छा रखा है आपने नीलम जी आपकी बच्ची का। आपके चित्तौड़ में मामा जी है, उनसे रिलेशन है। अच्छा अच्छा, तो आप चित्तौड़ का ही हो मतलब बेसिकली। जी, जी, जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपने बता दूं, आप एक बार तारीख समय वापस बताइएगा क्या है। जी गुरुजी, 1392। वापस बोलिएगा। 3/3/1992 समय शाम को 5:43 17:43। देखिए नीलम जी, जहाँ तक आपकी बच्ची का सवाल है, गुरु की महादशा इस बच्ची को चल रही है। गुरु की महादशा में भी शुक्र का अंतर है। अगर आपने इस बच्ची की कुंडली देखी हो तो बच्ची के सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ बैठ गए। विवाह के घर में सूर्य चंद्रमा, हाउ कैन इट पॉसिबल? सूर्य और चंद्रमा कभी साथ कैसे हो सकते हैं? सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा अस्त हो जाता है, चंद्रमा उदय होता है तो सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा की युति इसके सप्तम भाव में बैठ गई है, ये एक भारी दोष है। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल, छठे भाव में शनि और मंगल दोनों साथ बैठे हैं। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम के रेगुलर दर्शक हैं तो आपने कई बार इस तरह की कॉलिंग देखी होगी कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति होती है, ऐसे जातकों का या तो विवाह होता नहीं और विवाह हो जाए तो विवाह में कष्ट आते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची का विवाह अच्छी जगह हो, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो, तो किसी भी योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की शांति करवाइए। अपने यहाँ पर खेजड़ी का पेड़ होता है, उसके दंड के समक्ष इसकी शांति होती है। सूर्य चंद्रमा की जो युति बनी हुई है उसकी शांति करवाइए, तब जाके इस बच्ची का विवाह होगा। जहाँ तक हमारी कैलकुलेशन कहती है, 2019 की शुरुआत, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के 5 महीनों के अंदर इस बच्ची का विवाह हो जाएगा।
बुध इसकी जन्म कुंडली में नीच का है, तो आपको इसके वजन के बराबर गुड़ का दान, अभी अधिक मास में आज और कल दो दिन है, इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कीजिए। इस बच्ची को बोलिए नियमित रूप से तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य करें, 11 बार 21 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करते हुए उसके साथ साथ में हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है। माता जी के मंदिर में हरे रंग की साड़ी, श्रृंगार का सामान किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के वहाँ पे माता जी के मंदिर में अर्पण करें और निश्चित तौर पे अगले 6 महीने बाद इस बच्ची का विवाह होगा। जी नीलम जी, उपाय पंडित जी ने बता दी हैं, वो आप कीजिएगा। पंडित जी जानना चाहेंगे कि क्या कोई वास्तु दोष भी होते हैं जिनसे घर में मधुमेह आता है? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको उन वास्तु दोषों के बारे में बता रहा हूं जो आपके घर में है और जिनके कारण आपके घर में डायबिटीज जैसी ला इलाज बीमारी जो है वो आके प्रवेश कर जाती है, आमंत्रित हो जाती है। जब हम वास्तुशास्त्र के द्वारा आपके जीवन की अनेक समस्याओं को ठीक करने में सक्षम हैं, तो शुगर अर्थात मधुमेह अर्थात डायबिटीज को भी वास्तु नियम की पालना करके न केवल कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि उसे पूरी तरीके से खत्म भी किया जा सकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आप और हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते हैं, परंतु कुछ समय से मैं शुगर के डायबिटीज के पेशेंट को वास्तु नियम के अनुसार रखने का प्रयास कर रहा हूं और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए हैं। अपने उन्हीं अनुभवों को आज मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं। आप इन नियमों का पालन करें, खुद देखें आपकी और आपके परिवार की सदस्यों की शुगर न केवल कंट्रोल होगी बल्कि थोड़े समय में दवाइयों पर डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर का दक्षिण पश्चिम का जो कोना अर्थात नैऋत्य कोण इस रोग का कारण बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में नैऋत्य कोण में दोष होने से किस तरह शुगर आपके घर में आपके शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाती है, साथ ही ये बताऊंगा कि इस दोष से बचा कैसा जाए। घर का दक्षिण पश्चिम कोना अर्थात नैऋत्य कोण में कभी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए, जल का बोरिंग नहीं होनी चाहिए, पानी का टैंक नहीं होना चाहिए, सीवरेज का टैंक नहीं होना चाहिए। जिन घरों में इस तरह की समस्या है उस घर में रहने वालों की शुगर हमेशा बढ़ी हुई आती है। नैऋत्य कोण में कभी भी हरियाली नहीं रखे, बगीचा नहीं रखे, पेड़ पौधे भी नहीं रखे, क्योंकि ये भी शुगर को हाई करते हैं। नैऋत्य कोण का बढ़ना या घटना या छोटा होना या कटना होना यह भी शुगर की बीमारी को आमंत्रित करता है। वहीं दक्षिण पश्चिम कोने का नीचा होना, अगर आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर डाउन है और बाकी कॉर्नर अप हैं, तो यह भी एक मधुमेह के रोगी के लिए अत्यंत घातक माना जाता है। इसलिए आपके घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है नैऋत्य कोण जो है वो सबसे ऊंचा रखिए, सबसे भारी रखिए। घर के ब्रह्म स्थान यानी घर का जो मध्य भाग है वहां पे लैट्रिन बाथरूम मत बनाइए, उसको भारी मत रखिए, स्टोर मत बनाइए, सीढ़ियां मत बनाइए। अगर मध्य भाग में आजकल डुप्लेक्स का फैशन है, घर के बीच में से सीढ़ियां निकाल देते हैं, ऐसे लोगों के घर में मधुमेह परमानेंट वास बनाकर रखती है। जी तो दर्शकों यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, आगे लौटते हैं जल्द ही गुड लक टिप्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का गुड लक टिप्स में स्वागत है। पंडित जी ब्रेक से पहले हमने आपसे मंत्र जाने, विधि जान ली, साथ ही वास्तु दोष जिनकी वजह से मधुमेह होता है वो भी जान लिए। अब जानना चाहेंगे कि क्या मधुमेह दूर भगाने के कोई उपाय भी हैं? दोस्तों आज हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जल्दी से उपाय बता देता हूँ। एक जनरल उपाय है, एक तो कभी भी बेडरूम में आपको खाना नहीं खाना है, डोंट टेक फूड ऑन द बेड, बिस्तर में बैठ के खाना खाना इट कैन बी कॉज ऑफ डायबिटीज डिजीज, ला इलाज बीमारियों का कारण बनता है अगर आप बिस्तर में बैठ के खाना खाते हैं। आजकल फैशन हो गया, स्पेशली हमारी जो लेडीज दर्शक हैं बेडरूम के अंदर चप्पल जूते का वार्डरोब बनाती है, इट कैन बी कॉज ऑफ सो मैनी हेल्थ डिजीज। आपके बेडरूम में चप्पल जूतों का स्थान नहीं होना चाहिए। मिट्टी के पानी, मिट्टी के घड़े का पानी पीने का आदत डालिए, एक मिट्टी का घड़ा रखिए उसमें पानी भरिए और सुबह पानी भरते वक्त उसमें 7 तुलसी के पत्ते डालिए और फिर उस पानी का दिन भर सेवन कीजिए, डायबिटीज जड़ से खत्म होगी। सप्ताह में एक बार, दिन में एक बार, महीने में एक बार अपनी माँ के हाथ से बना हुआ खाना खाइए, अपनी पत्नी के हाथ का तो हमेशा खाते हैं, शादी के बाद अपनी माँ के हाथ का बना हुआ भी खाना खाइए। मंगलवार के दिन अपने पिता को मीठा
अवश्य खिलाइए। रविवार को सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, मंदिरों को गुड़ खिलाएं, निश्चित तौर पर देखेंगे आपके खुद की आपकी जो शुगर है वो आपसे दूर भाग रही है। सरल से रेमेडीज अपनाइएगा और शुगर को भगाइएगा। जी तो पंडित जी, हमने मधुमेह रोग की बात तो कर ली, लेकिन जैसा कि हम आपसे रोज गुड लक टिप्स लेते हैं तो आज का गुड लक टिप्स भी दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। दोस्तों, हमारे मुसलमान भाइयों का पवित्र मास, हमारे मुसलमान दर्शकों का पवित्र मास रमजान का माह अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। रमजान के पाक महीने में रोजे रखे जाते हैं। धन्य है हमारे वो मुसलमान भाई बहन जो इस 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी दिन भर भूखे प्यासे रहकर अपने खुदा की इबादत करते हैं, अपने ईश्वर की इबादत करते हैं। रोजा एक इबादत है, कुरान में इसे सब्र कहा गया है, जिसका अर्थ है अपने ऊपर कंट्रोल करना, स्वयं के ऊपर नियंत्रण करना। इस्लाम में रोजे का अर्थ है, उसका मतलब है केवल ईश्वर के लिए सुबह भोर से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने सभी बुराइयों से स्वयं को रोके रखना, दूर रखना। कहा गया है कि ए ईमान लाने वालों, तुम पर रोजे अनिवार्य किए गए हैं जिस प्रकार तुमसे पहले के लोगों पर किए गए थे, शायद कि तुम डर रखने वाले और परहेजगार बन जाओ। हर कौम में, हर धर्म में, हर ईश्वर ने, हर पैगंबर ने रोजा व्रत रखने की बात कही। आज भी रोजा हर धर्म में किसी न किसी रूप में मौजूद है। हम लोग भी निर्जला एकादशी करते हैं तो हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो रोजे करते हैं। कुरान के अनुसार रोजे का उद्देश्य इंसान में तकवा या संयम पैदा करना है। तकवा का अर्थ है ईश्वर का डर, दूसरा अर्थ है जिंदगी में हमेशा एहतियात वाला तरीका अपनाना। ईश्वर का एक ऐसा डर है, उस अल्लाह का एक ऐसा डर है, एक ऐसी बात है जो इंसान को असावधान होने पर अर्थात असफल होने से बचा लेता है। रोजा रखना इंसान की हर चीज को पाबंद अर्थात नियममंद बनाता है। आंख का रोजा यह है कि जिस चीज को देखने से उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने मना किया है उसे मत देखिए। कान का रोजा यह है कि जिस बात को उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने सुनने से मना किया है उसे मत सुनिए। जुबान का रोजा यह है कि जिस बात को बोलने से उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने मना किया है उसे मत बोलिए। हाथ का रोजा यह है कि जिस काम को करने से अल्लाह ने मना किया है, ईश्वर ने मना किया है उसे ना करे। पांव का रोजा यह है कि जिस तरफ जाने से ईश्वर ने मना किया है, अल्लाह ने मना किया है उधर मत जाइए। दिमाग का रोजा यह है कि जिस बात को सोचने से ईश्वर ने मना किया उसे मत सोचिए। इसी के साथ साथ यह भी है कि जिन कामों को ईश्वर ने पसंद किया केवल उन्हें किया जाए, केवल ईश्वर के बताए गए तरीके के अनुसार। रोजा रखना ही इंसान को ताकत देता है, लाभ पहुंचाता है। रोजे का इंसान के दिमाग और उसके शरीर दोनों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इंसान के अंदर गुस्सा, ख्वाहिशें, लालच, भूख, सेक्स, दूसरी बहुत सारी भावनाएं, इनके साथ इंसान का दो में से एक रिश्ता हो सकता है। इंसान इन्हें कंट्रोल करे या ये इंसान को कंट्रोल कर लेते हैं। पहली सूरत में लाभ, दूसरे में हानि है। रोजा इंसान को इन्हें काबू में रखना सिखाता है, इंसान को जुर्म पाप से बचाता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि रोजा ईश्वर का मार्गदर्शन मिलने पर उसकी बड़ाई प्रकट करने, उसका शुक्र अदा करने, परहेजगार बनने के लिए अतिरिक्त न केवल इंसान के दिमाग को बल्कि उसके शरीर पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। हजरत मोहम्मद कहते हैं कि हर चीज पर उसको पाक पवित्र करने के लिए जकात है, और मानसिक शारीरिक बीमारियों से पाक करने के लिए शरीर की जकात जो है वो रोजा है। यह पाक महीना नेकी पहचानने का है। इस महीने में मोमिन की रोजी में इजाफा किया जाता है। जिस शख्स ने किसी रोजेदार को अफतार कराया हो उसके गुनाह बख्श दिए गए हैं, उसके पाप बख्श दिए गए हैं, उसकी गर्दन अतिशय दोजक यानी नर्क की आग से आजाद हो जाएगी। रोजेदार के रोजे का सवाब कम किए बगैर अफतार कराने वाले को भी रोजे के बराबर का सवाब मिलेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को, सभी स्पेशली मुस्लिम दर्शकों को रमजान के मास की और रोजे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बिल्कुल, तो जिस तरह से अधिक मास का महत्व है उतना ही रमजान का भी महत्व है। पंडित जी आगे शो में बढ़ते हैं और आराधना जी का कॉल ले लेते हैं जो कि अजमेर से हमें कॉल कर रही हैं, बेटे के लिए पूछना चाहती हैं। 22 नवंबर 2001 ये डेट ऑफ बर्थ बताती हैं और समय ये बताती हैं 8:14 रात का। आराधना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। सर मैंने आपको परसों फोन किया था लेकिन मैं वापस कांटेक्ट कर नहीं पाई। जी बेटा बोली। जी मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चे ने पढ़ाई पहले भी मैंने आपसे पूछा था सब कुछ उसके बारे में, आपने सब कुछ अच्छा बताया था, बोले बहुत आगे पढ़ेगा बहुत आगे जाएगा, और सर आपने बहुत कुछ अच्छा बताया था लेकिन इसने तो इस बार फेल ही हो गया सर 11th में। ये बेटा क्या फेल होना इस बात का संकेत है कि बच्चा जीवन में कुछ नहीं करता है ना सर, ये पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है। 18 आप मेरी बात को समझिए बेटा, 18 साल की राहु की महादशा है और राहु की महादशा में शुक्र का अंतर, शुक्र इसकी जन्म कुंडली में, राहु जो है वो एजुकेशन हाउस को कैप्चर करता है, उसको फ्लक्चुएट करता है। 2022 के बाद 16 साल के गुरु की महादशा शुरू होगी। इस बच्चे की कुंडली ऐसी है ये बहुत बड़ा अफसर बनेगा या विदेशों में बहुत जाके बहुत नाम रोशन करेगा। इस बच्चे की कुंडली में कोई कमी नहीं है, तो समय राम जी का समय आया तो एक रात के अंदर सोए थे तो युवराज थे, सुबह उठे तो वनवास मिल गया। तो आप और हम सबके जीवन में राहु की महादशा आती है, इस बच्चे के बचपन से 2004 से शुरू हो गई है। आप बच्चे को प्रमोट करिए, उसको डिस्करेज मत कीजिए, गोमेद रत्न मैंने कहा था उसको पहनाइए, हर रविवार को अनासागर में वाइट उड़द की दाल के बड़े लौंग लगा के इस बच्चे के हाथ से मछलियों को खिलाइए। निश्चित तौर पे आज मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये बच्चा आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। आप परेशान मत होइए, अपने भगवान पे अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए। जी आराधना जी आशा रखिए सब कुछ सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञान पूर्वक बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय। तो अगर आपकी कोई समस्या है और जानना चाहते हैं समाधान तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।